एकदम स्ट्रेट खेलता वीडियो मैम स्ट्रेट मैम अरे क्या हुआ अभी दादा क्या कर रहे हो उधर हट ना उधर जगह सर मैं नहीं था बात आप लोगों ने पीछे रख लिया एक तो बाद में वो अपना लेबल ये शॉप में ओपन कर रही हैं एंड आई ओनली होप एंड विश कि आप लोगों को मुंबई की जो लोग हैं उनको इनके कलेक्शंस पसंद आए. आई एम वेयरिंग इंडियन उनका आउटफिट जो उनके स्प्रिंग समर कलेक्शन का है 2014. So I just hope and wish her luck and I'm here to support her. How does it feel, Payal, coming at your event as such? You know, somebody that beautiful wears your outfit, so you feel anyways proud and I wanted to give her something which suited her body type and her looks. So I think Indian wear really suits Payal a lot. So she's looking very beautiful. I'm launching my bridal couture with Vijeta today at the store. And it's a bespoke collection. It's something something new that I've created because I sell from a lot of stores in Mumbai, but I wanted to do something special for her store. I think the best accessory a woman should have is a smile in the summer heat. But apart from that, I would like to see ki baaki sab kya collection hai. I would wish them all the best. But yes, I would be a little biased towards Charu because उन्होंने मुझे इतना प्यारा अनारकली you know पहनाया है. So I think, yeah, I think I like Indian wear nowadays. Projects. I'm just starting a South film, so I think that should be something new because I haven't really done South film. So let's see. Thank you. Payal is a dear friend and she is so pretty that I wanted to give her something with a lot of color but keeping her looks in mind. So ye Indian anarkali is spring summer mein se and she is looking fabulous. मैम आपको कैसे लग रहा है कि इतना बड़ा इवेंट है और बहुत सारे सेलिब्रिटी लोग भी आने वाले हैं यहाँ पे, तो आप कैसे फील कर रही हैं? इट इज़ ऑलवेज अ प्लेजर मुंबई आना. आई ऑलरेडी सेल फ्रॉम अ लॉट ऑफ स्टोर्स इन मुंबई लाइक हिमायाज़ लॉट मोर स्टोर्स एंड आई कीप ऑन कमिंग टू मुंबई. बट जब भी कोई न्यू स्टोर का लॉन्च होता है तो आई क्रिएट अ स्पेशल कलेक्शन. तो इस बार भी विजेता और जवार के लिए एक ब्राइडल कुट्योर कलेक्शन नया लॉन्च किया. आपका मुंबई में ये फर्स्ट? नहीं, मुंबई में फर्स्ट नहीं है. दिस इज आई सेल फ्रॉम 5 मोर स्टोर्स इन मुंबई बट द मोर द मेरियर. थैंक यू सो मच. क्या आज नाम लिया?
रागिनी सेंटर रागिनी जी मैडम उधर का हो गया नहीं मार मारा है फोटो हो गया मैडम थोड़ा पीछे रागिनी जी यहाँ पे सामने रागिनी जी I'm looking forward to a very great. Should I start? Yeah. I'm looking forward to a beautiful store with some great collection and some great things inside because I'm coming from Jayda. She's a friend and I have great faith in her sensibilities and I'm really looking forward to have a good time inside. That's so sweet. That's so sweet. Yes, I'm wearing a dress which is featured in her store. The designer's featured in a store. It's called she's Dolly J, and I think she's very talented. And she's got an edge which you can make out from my dress itself. And I think she's very talented. और गैंग का फसीपुर का लॉन्च हो गया है फाइनली और सक्सेस भी हो रहा है यहाँ पे मिल रहे हैं ऐसी फीलिंग हो रही है आपको मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि ये एज यूजुअल एक नए किस्म का शो है और हमेशा कुछ अलग करती हूँ इसी उम्मीद से कि लोगों को पसंद आए और एक्सेप्ट करें लोग कुछ नया एडजस्ट करने में ऑब्वियसली थोड़ा टाइम वक्त लगता है लेकिन लोग पॉजिटिवली एक्सेप्ट कर रहे हैं तो मैं उसके लिए काफ़ी खुश हूँ और उम्मीद करती हूँ कि हम और सक्सीड करें और मेहनत करें क्योंकि अभी सिर्फ 4 ही एपिसोड ऑन एयर आए हैं और ये शो और बड़ा हिट हो जाए सो आई एम प्रेइंग तो आपकी जान पहचान के लोग से रिएक्शन कैसे मिल रहा है दे ऑल फील दैट द शो इज़ वेरी वेरी बोल्ड इन इट्स कॉन्सेप्ट एंड इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बहुत एजी शो है सो अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है जैसे लाइक इट्स अ ग्रेट अटेम्प्ट एंड इट्स गॉट अ ग्रेट मैसेज तो लोगों से मुझे टचवुड अभी तक पॉजिटिव फीडबैक ही आया है थैंकफुली अभी तक एक भी नेगेटिव फीडबैक नहीं आया है सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट आइडियली पर्सनल स्टाइल स्टेटमेंट आई हैव नन बिकॉज वेन एवर आई एम नॉट अटेंडिंग एनी मीडिया इवेंट आई एम इन शॉर्ट्स एंड अ टी शर्ट एंड टाइड इन अ बन इट्स मोर अबाउट कम्फर्ट एंड इट्स मोर अबाउट बिकॉज आई एम 24/7 ड्रेस्ड फॉर वर्क तो पर्सनल लाइफ में आई प्रिफर टू गो इट कीप इट वेरी नेचुरल नॉर्मल आई एम अ वेरी ब्लू जीन्स वाइट टी शर्ट काइंड ऑफ अ चिक थैंक यू Thank you.
कुणाल दिस पार्ट little that I can look forward to unfortunately here it's women's clothes so it's going to be difficult for me to look forward to something but it's a wonderful store I've been inside and they've got some wonderful clothes and it's great that all these new designers are being promoted in such a wonderful store lekin jab brand ki baat aati hai aur you know is tarah ki accessories ki baat aati hai jo aapne dekha hai yahan par sab agar kisi ko gift karna ho to kaise karenge ji main actually obviously Naina ko karunga agar gift karna hua Well, I think more than brands, it's I think the quality and the design that's most important. I think you know all of us wear clothes that are some of them are designer clothes, some of them aren't. But that doesn't mean that clothes that aren't you know these top fashion labels aren't great clothes. So it's most important thing I think is the design and you know the quality of the clothes. Kunal, what is your personal style statement? What is my personal style statement is to just keep it as comfortable as possible, especially now in the Bombay heat. I think the more comfortable you are, the better. Any Bollywood actor you inspire? You get inspiration? Well, not inspired by, but you know, growing up, I used to be a big fan of how Sanjay Dutt used to dress. I think he has a great amount of style. I think Mr. Bachchan has a lot of style. Will you tell us about the upcoming ventures that you are going to do? Well, I've just finished a film called Kaun Kitne Pani Mein. This is a film with the National Award winner Neela Madhav Panda, and it's a farce on the water problem. It's very rarely you come across a script that is entertaining and has something important to say at the same time and this is that film and we had a really really good time shooting it. Yeah, all right, thank you.
यार पुलिस का नहीं देख सकता All of you. अभी उंगली ना निशान था तो ऐसे निकाल।